सुबह उपखंड के ग्राम पंचायत के ढाणी जालपाला में पानी भरने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की ओर से हुई लड़ाई में करीब 8 जने घायल हो गए। दोनों पक्षों के लोग लड़ाई करने के बाद उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां दोबारा से दोनों पक्षों का आमना सामना होने पर अस्पताल में ही जमकर लात घूंसे शुरू। अस्पताल में अचानक दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने से मरीजों के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस जाब्ता अस्पताल में बुलाया गया तथा मामले को शांत करवाया गया। जानकारी के अनुसार ढाणी जालपाला में एक पक्ष के अशोक कुमार ने बताया कि वह नल पर पानी भर रहे थे, तो दूसरे पक्ष के रोहिताश बहादुर मल, योगेश, जितेंद्र, सुमेर, मणि देवी, कमली देवी, रिंकू ने उनके नलके को तोड़ दिया, जिसका विरोध किया तो उन्होंने अशोक, नरेश, अनीता, संजय, पुष्पा, बसंती, ओंकारमल पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक परीक्षण के दौरान दोनों पक्ष दोबारा से आमने सामने हो जाने से दोनों पक्ष अस्पताल परिसर में ही लड़ाई करने लगे तथा एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों का मेडिकल करवाया गया है और रिपोर्ट आने पर मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। अस्पताल में हुए झगड़े को लेकर दोनों पक्षों से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। मरीजों के साथ हुए दुर्व्यवहार के चलते पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। झगड़े का पूरा घटनाक्रम अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भर रहे थे तो पानी नीचे गिर पड़ा, तो बोले कि हमारी तरफ पानी क्यों आ रहा है, तो पाइप फोड़ दिए और फिर गाली गलौज करने लगे, फिर लकड़ी वाटा लेके और मारने लगे। 8 परिवार थे, वो सभी आकर मारने लगे। अस्पताल में सर ये जांच के लिए जा रहा था, बस छोटे भैया की जांच के लिए, तो वो आकर, वो तो उधर जा रहा था और वो वहाँ से आ रहा था, तो उसके पीछे से मुक्की की मारी गर्दन पे मेरे भैया के, फिर वो नीचे दाब कर मारने लग गया और पुलिस वाले के भी देने लग गया, पुलिस के हाथ के बटका हो रहा था।